हेलो स्मार्ट यूजर्स, एश हियर। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा अगर आप आईफोन 5s को यूज़ करते हैं 2021 में, क्योंकि इस चीज़ का मुझे एक चैलेंज मिला था पुराने से पुराना फ़ोन यूज़ करने का। तो मैंने आईफोन 5s पिक किया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पुराना फ़ोन था जो मैं यूज़ कर सकता था। और टेक अवे उस वीडियो का ये था, 5s एक काफ़ी कैपेबल फ़ोन है स्टिल इन 2021 नॉर्मल यूजर्स के लिए। बस उसके अंदर कुछ इश्यूज थे और वो सब इश्यूज उससे साइज के रिलेटेड थे क्योंकि साइज उसका काफी ज्यादा छोटा है। हालांकि उसके कॉम्पैक्ट साइज की काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद, चैलेंज कंप्लीट करने के बाद, मैंने यहाँ पे सोचा आईफोन 6 के बारे में जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये भी काफी पुराना फोन है, 2014 में आया था। तो ये भी एक कंटेंडर बन जाता है उस चैलेंज के लिए। और इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो काफी ज्यादा रिलेटेबल है 2021 में, क्योंकि लास्ट ईयर 2020 में एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन SE जो सेम फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आईफोन 6 को कंसीडर करना। तो स्मार्ट यूजर, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे साइज एंड बिल्ड क्वालिटी की। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था जिसमें मैंने 5s को यूज़ किया। वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फ़ोन था और यहाँ पे सिर्फ मुझे 2-3 दिक्कतें आई उसके साइज की वजह से, जो थी वीडियोज़ देखना और टाइपिंग करना। तो इन्हीं दिक्कतों की वजह से, इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने यहाँ पे 6 को कंसिडर करा, आईफोन 6 को। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट वो जो इशूज़ हैं यहाँ पे रिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसका साइज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन स्टिल कॉम्पैक्ट है, वीडियोज़ यहाँ पे देखी जा सकती है। 5s के केस में अगर बहुत ज़रूरी वीडियो तो आप देख सकते थे लेकिन एंजॉय नहीं कर सकते थे, लेकिन आईफोन 6 के केस में वीडियोस यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है, एंजॉय भी की जा सकती है। और बात करें अगर टाइपिंग के इशू की, तो वो भी यहाँ पे रिजोल्व हो जाता है, काफ़ी मैनेजेबल से यहाँ पे स्क्रीन का साइज दे रखा है, टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे आप बात करें वन हैंड टाइपिंग की या फिर टू हैंड टाइपिंग की, दोनों तरह से टाइपिंग की जा सकती है। वन हैंड में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं थी, वन हैंड टाइपिंग भी परफेक्टली पॉसिबल है। और अगर बात करें टू हैंड टाइपिंग की तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर रियल वर्ल्ड की बात करी जाए इसके कॉम्पैक्टनेस की, तो स्टिल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, स्टिल वन हैंड से यहाँ पे चारों कॉर्नर्स को रीच किया जा सकता है, जो काफी अच्छी बात है। और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करी जाए, तो जैसे कि एप्पल का फोन है, बिल्ड क्वालिटी हमें यहाँ पे रॉक सॉलिड देखने को मिलती है। तो अगर बात करी जाए स्क्रीन की, तो 2021 के पर्सपेक्टिव से इसका जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, लेकिन द फैक्ट इसकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज भी नहीं है, जिसका रिजल्ट आपको स्टिल एक काफ़ी शार्प डिस्प्ले देखने को मिलती है इवन फॉर 2021। और क्योंकि आईफोन 6 2014 में आया था, तो यहाँ पे डिस्प्ले की कुछ टेक्नोलॉजी जैसे कि एमुलेट और ट्रू टोन डिस्प्ले, इस तरह के कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो LCD आईफोन 6 में है, अगर आप उसे किसी आज के टाइम के मिड रेंज के बराबर में रखेंगे, तो स्टिल आपको आईफोन 6 की डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी लगेगी। वीडियोस देखना यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ग्रेट स्टिल में नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी काफ़ी इंजॉयबल रहा वीडियोज़ देखने का एक्सपीरियंस। लेकिन म्यूजिक का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था यहाँ पे, ये स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। चाहे बात करें हम इसके सिंगल स्पीकर की, स्टीरियो स्पीकर यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो सिंगल स्पीकर यहाँ पे अवेलेबल है उसके आउटपुट में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, जो कि हमें आईफोन के केस में देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे बात करें ईयरफोन्स की, तो वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। चाहे हम बात करें यहाँ पे एयरपोड्स की, काफ़ी अच्छा आउटपुट रहता है एयरपोड्स में भी, या फिर हो मेरे सैमसंग गैलेक्सी बड्स, मैंने यहाँ पे अपने सैमसंग गैलेक्सी बड्स भी कनेक्ट करे और कोई इशू नहीं आया कनेक्शन में, और आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। या फिर हम बात कर लें यहाँ पे नेक बैंड की, यस नेक बैंड भी मैंने कनेक्ट करके देखा, कोई कनेक्शन इशू नहीं थे। और जब मैंने अपनी वायर्ड ईयरफोन यहाँ पे कनेक्ट करी, तो वो भी बहुत ही अच्छा आउटपुट दे रही थी। और क्योंकि यहाँ पे 3.5mm जैक अवेलेबल है, तो इसका काफ़ी अच्छी एडवांटेज रहती है। मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो और जो आपकी वायरलेस एक्सेसरी है, वो एयरपोर्ट है या कोई भी वायरलेस एक्सेसरी है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, स्टिल आप अपनी मूवी कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी वायर्ड ईयरफोन कनेक्ट करके। ये एक एडवांटेज लगती है मुझे 3.5mm जैक की। कैमरा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मैं ये कहूँगा 2014 का फ़ोन है, कुछ ज़्यादा खास तो एक्सपेक्ट मत करिए कैमरा से। मेमोरीज कैप्चर करने के हिसाब से स्टिल काफ़ी अच्छा है, मेमोरीज कैप्चर की जा सकती है, और वीडियो में स्टिल 1080p 60fps वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो मेमोरीज आप काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। और मुझे लगता है स्मार्टफोन का एक यही पॉइंट होना चाहिए स्मार्टफोन कैमरा का, तो मेमोरी कैप्चर करने के हिसाब से स्टिल काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप घुसते हैं फोटोग्राफी में, तो वो पॉसिबल नहीं है आईफोन 6 के साथ में।
तो मैं बात कर लेता हूँ आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस की आईफोन 6 के साथ। और जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करती है आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस पे वो है सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो आईफोन 6 रन करता है iOS 12 पे, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। कंसिडर करा जाए आईफोन 6 आया था 2014 में, और जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी आईफोन 5S पे और वो भी iOS 12 पे ही रन करता है। तो जो बातें मैंने सॉफ्टवेयर को लेकर उस वीडियो में बोली हैं ज़्यादातर वो बातें यहाँ पे भी अप्लाई होने वाली है, एक्सेप्ट कुछ इश्यूज जो थे जैसे कि टाइपिंग वगैरह वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को लेकर ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है वो सेम ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और नहीं देखना चाहते तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, UI स्टिल काफ़ी मॉडर्न है। कोई भी ऐसी ऐप नहीं है जो यहाँ पे नहीं रन करती, जो अनसपोर्टेड है iOS 12 में। सारी ऐप्स आपको मिल जाएंगी ऐप स्टोर पे। और अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है, काफ़ी स्मूथ है ऐप ओपनिंग एनिमेशन। और ऐप ओपनिंग टाइम से वो स्लो हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऐप ओपनिंग एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है तो एक्सपीरियंस यहाँ पे इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता, इवन अच्छा ही लगता है। और अगर मुझे ऑप्शन मिले चूज़ करने का, एक तरफ ऐप ओपनिंग एनिमेशन स्लगिश हो जाएगी लेकिन ऐप ओपनिंग टाइम फास्ट हो जाएगा, और दूसरी तरफ ऑपोजिट होगा, ऐप ओपनिंग टाइम डिले होगा लेकिन एनिमेशन स्मूथ रहेगी, तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा जो आईफोन 6 में है। अगर ऐप 1-2 सेकंड देर से खुलती है लेकिन एनिमेशन स्मूथ रहती है, ये आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा अच्छा बनाएगी इन कंपेरिजन टू प्रायर केस जो मैंने आपको बताया, वो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खराब कर देती है और जो हमें एंड्रॉइड फोन में देखने को मिलता है। एनिमेशन काफी ज्यादा स्लगिश होती है इसलिए आपका एक्सपीरियंस खराब होता है यूज करने का। और अगर गेमिंग की बात करी जाए तो आप गेम खेल सकते हैं स्टिल आईफोन 6 में, एक्सेप्ट ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स। जो कुछ टाइम पास गेम्स होते हैं जैसे कि टेम्पल रन, एंग्री बर्ड्स वगैरह, वो स्टिल प्लेएबल हैं आईफोन 6 में। और ऐप स्विचिंग की बात करी जाए तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, आईफोन 5S में भी एक्सपेक्टेड नहीं थी वैसे तो, लेकिन काफ़ी स्मूथ है ऐप स्विचिंग, मल्टीटास्किंग स्टिल पॉसिबल है आईफोन 6 में। तो मैं बात कर लेता हूँ बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पे जैसी एक्सपेक्टेड है बेकार है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप 2019 से पहले का कोई भी फ़ोन लेते हैं आपको बैटरी बेकार ही मिलेगी, दिन में 2 बार आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, और ये तो फिर भी बहुत पुराना है, 2014 का फ़ोन है। तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, बैटरी हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा खास नहीं मिलने वाली है। लेकिन आपको आइडिया देने के लिए मैं बता देता हूँ, लो यूसेज पे भी इसे दिन में 2 बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो बात कर लेता हूँ वर्डिक्ट की, मेरे क्या वर्डिक्ट है आईफोन 6 को लेके 2021 के परस्पेक्टिव से। तो मैंने यूज़ करा आईफोन 6 एज माई प्राइमरी डिवाइस अराउंड ए वीक, और मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ अपना S10 प्लस एंड माई आईफोन 10S एज माई प्राइमरी डिवाइसेस। बट स्टिल जो मेरा काम था वो आईफोन 6 ने कर दिया, एक्सेप्ट माई यूट्यूब वर्क। मेरे यूट्यूब के काम को छोड़ के जितने भी मेरे काम थे वो सारे आईफोन 6 कर पाया, कैपेबल था वो सब काम करने के लिए। लेकिन अगर आप में से कोई आईफोन 6 लेने की सोच रहा है एज इज ओनली डिवाइस, तो ये डिपेंड करता है आप कितने में परचेस करते हैं, आपको कितने में मिल जाता है। अगर आप मैनेज कर लेते हैं इसे 60-8 हज़ार रुपये में लेने के लिए तो काफ़ी अच्छा है, आप जा सकते हैं, आपके सारे काम हो जाएंगे आईफोन 6 में। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को साइन ऑफ करूँगा। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।